गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब तो पहला बच्चे मैं थानू कंग्रेचुलेट करना चाहती हाँ। इस लॉकडाउन पीरियड दे विच असी ऑनलाइन इंटरैक्शन दे नाल अपना अपने बायोलॉजी दे फर्स्ट टू चैप्टर्स आपां खत्म किते। उसे ही एनर्जी और फुल इंटरेस्ट दे नाल अज आपां अपने बायो सिलेबस का थर्ड चैप्टर शुरू करन जा रहे हाँ, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ बच्चे अपन नूं पता है कि जेडे ह्यूमन बीइंग्स ने लाइक मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे आर यूनीसेक्चुअल, और दे वास्ते आप एक होर टर्म देखा सी डायोशियस। ह्यूमन बीइंग्स जेडे ने या तो ह्यूमन जो होंगे या तो वो मेल होएगा या वो फीमेल होएगा। ठीक है, ईच ह्यूमन बीइंग हैज़ ईदर अ मेल गोनेट और अ फीमेल गोनेट। गोनेट्स के होंगे ने दे आर रिप्रोडक्टिव structures, right? Now, जिहड़ा मेल है, ह्यूमन मेल है, उस दे विच जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उन्हों जो कि साडा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट इज़ मेल बॉडी दे विच टेस्टीज हुंदे ने जो कि मेल गैमीट बनाएंगे जो कि फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, इस तरह जो फीमेल बॉडी है उस दे विच जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसनू असी ओवरीज कहने हैं, बिकॉज देर आर पेयर ऑफ ओवरीज इन फीमेल एंड देर आर पेयर ऑफ टेस्टीज इन द मेल। सो ह्यूमन बीइंग्स दे विच जेडे टेस्टीज ने इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल दे आर नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की फंक्शनिंग वास्ते दूसरे सेक्स ऑर्गन्स ने जिन्हां नूं असी जो कि उन्हां नूं हेल्प करते ने उन्हूं असी बोलते हाँ सेकेंडरी सैक्स ऑर्गन्स। इत्थे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जिवें मेल दे कोल एपीडाइडाइमिस हुंदा है, वास डिफरेंशिया हुंदा है, पेनिस हुंदी है, ये सारे सेकेंडरी सैक्स ऑर्गन्स ने। इस तरह जिहड़ी फीमेल बॉडी है उहदे कोल फैलोपियन ट्यूब्स हुंदे ने, फैलोपियन ट्यूब इज़ देयर, यूट्रस है, वेजाइना है, ये की हन फीमेल दे सेकेंडरी सेक्चुअल करैक्टर्स ने, राइट। सो ये जिहड़े करैक्टर्स ने ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नू फंक्शन करन विच असिस्ट करते ने, हेल्प करते ने, राइट। इत्थे बच्चे मैं एक नीचे एक टर्म लिखी है सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म का की मतलब हुंदा है कि जो मेल है और जो फीमेल है वो एक्सटर्नल अगर असी उन्हां दी अपीयरेंस देखते हाँ, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर उन्हां दे विच देखते हाँ, तो वो जिहड़े हुंदे ने वो डिफरेंट हुंदे हैं। मेल और फीमेल जिहड़े ने वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दे विच डिफरेंट हुंदे ने, इहनूं असी सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म कहिंदे हां। इसनूं एक्सप्लेन करन वास्ते मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल दिंदी हाँ। जिवें ह्यूमनस दे विच जिहड़े मेल हुंदे ने वो ज़्यादा स्ट्रोंग हुंदे हैं, मस्कुलर हुंदे हैं, अगर तुसी उन्हां दी बॉडी देखते हो वो ज़्यादा हेयरी हुंदे हैं, बियर्ड हुंदी है, मोस्टेचिज हुंदे हैं उन्हां कोल, उन्हां दे जिहड़े शोल्डर्स ने वो ज़्यादा ब्रॉड हुंदे ने, और उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी हुंदी है वो भारी हुंदी है, एडम एप्पल हुंदा उन्हां दे विच। सो ये जिहड़े फीचर्स मैं दसे ये ह्यूमन मेल दे करैक्टर्स ने। इस तरह जे तुसी ह्यूमन फीमेल देखते हो तो कंपैरेटिवली लैस मस्कुलर हुंदी है एज़ कंपेयर टू मेल, और जिहड़ी बियर्ड है या चेस्ट के उपर हेयर्स ने उहदी बॉडी ते एबसेंट हुंदे ने, और उसके शोल्डरस कंपैरेटिवली नैरो हुंदे ने, एंड उसके विच ब्रेस्ट डिवेलप हुंदी है, वॉइस जिहड़ी हुंदी है हाई पिच दी, स्वीट वॉइस हुंदी है फीमेल दी, और उसके विच जिहड़े एडम एप्पल है वो नहीं हुंदा, या अगर है तो बहुत लिटिल प्रोमीनेंट हुंदा है। सो ये जिहड़े डिफरेंसिज मैं तुहानूं दस रही हाँ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसिज जो मैं तुहानूं डिस्कस किए, इस दे बेस ते आपां इस प्रोसेस नूं, इस फिनोमिनन नूं आपां सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। नैक्सट, बहुत ज़्यादा तुहानूं ये एक्सप्लेन हजे मैं तुहानूं डिटेल दे विच अगे करांगी जदों आपां चैप्टर डिस्कस करांगे। ये तुहानूं मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल दा हुणे तुहानूं मैं दस्सिया है कि मेल बॉडी दे विच साडे कोल टेस्टीज ने, पेयर ऑफ टेस्टीज है दोनों पासे, और टेस्टीज जिहड़े ने उस दे नाल जिहड़े होर स्ट्रक्चर्स अटैच ने जो कि एक फुल फ्लैज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते ने, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सैक्स ऑर्गन्स, जिवें स्पर्म डक्ट है, पेनिस है, और ग्लैंड सानू दिख रहे ने। सो ये सेकेंडरी सैक्स ऑर्गन्स है।
इसे तरह फीमेल बॉडी दे विच पेयर ऑफ ओवरीज ने जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ने और ओवरी दे नाल होर साडे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ने जिस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है फिलोपियन ट्यूब है यूट्रस है वेजाइना है ये सारे की ने सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स ने। नाउ बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नू समझन वास्ते इत्थे मैं एक कुछ एक बेसिक फेजिज हैं कि पूरे चैप्टर्स दे विच आपां ये देखना है कि ये जड़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है जिद्दां आपां देखिया कि प्लांट्स ने सैक्चुअली रिप्रोड्यूस किया साडे कोल सीड आया सीड हैज़ द बेबी एम्ब्रियो और जदों आपां सीड नू सो करदे आ वी गैट द न्यू प्लांट। इस तरह ह्यूमनस जदों रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली एक कॉम्पलैक्स प्रोसैस है और इसनों समझन वास्ते आपां इसनों अलग अलग फेजिज़ दे विच डिवाइड किया है जो कि इत्थे सिर्फ मैं थोनों एक इंट्रोडक्शन दे रही हाँ इस फेजिज़ दी और इसनों डिटेल दे विच आपां अगे वन बाय वन करके पढ़ांगे। सब तो पहला जिहड़ा फर्स्ट प्रोसैस है उसनों असी कहने हाँ गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस वर्ड नूं तुसीं स्प्लिट करो गैमीट्स दी फॉर्मेशन होना जदों ह्यूमनस दे विच मेल और फीमेल गैमीट बनता है इस प्रोसैस नूं असीं कहने हाँ गैमीटोजेनेसिस। राइट सो इत्थे नाइन स्टैप्स मैं नोट किए हैं वन बाय वन मैं थोनों ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी उन्हां दी। गैमीटोजेनेसिस दैन इनसैमीनेशन उस तो बाद फर्टिलाइजेशन क्लीवेज implantation, then placentation, placenta formation, gastrulation, organogenesis and parturition which is the last step. Now, let us try to understand it very briefly one by one. Bache, first step, main thonu first phase dassiya gametogenesis. What is gametogenesis? Sexual reproduction vaste what we require? Male gamete and female gamete, right? जिहड़ा ह्यूमन मेल जिहड़ा गैमीट प्रोड्यूस करता है उसनों असी कहने हैं स्पर्म। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच इज़ हैप्लॉइड ओके इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरह एग है एग की है फीमेल गैमीट है ओवा असी इसनों बोलते हाँ और ए भी की है हैप्लॉइड। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज ऊजेनेसिस। तो जदों सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होएगा सब तो पहला गैमीट्स बनेंगे स्पर्म एंड ओवा। नेक्स्ट प्रोसेस जेड़ा हैगा फर्टिलाइजेशन तो पहला मैं एक सेकंड स्टेप लिखा सी विच इज़ कॉल्ड इनसैमीनेशन। बच्चे इनसैमीनेशन की हुंदा है जो मेल गैमीट है जदों मेल गैमीट फीमेल दी बॉडी दे विच ट्रांसफर हुंदा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट प्रोसेस इज नोन एज इनसैमीनेशन। इनसैमीनेशन तो बाद साडा बेसिक फेजिस दे विच थर्ड फेज आंदा है जिसनों असी बोलते हाँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की है साडे कोल मेल गैमीट है विच इज़ स्पर्म फीमेल गैमीट है विच इज़ एग। मेल और फीमेल गैमीट आपस दे विच फ्यूज करेंगे एंड फ्यूज करन तो बाद दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट and this zygote is diploid structure because it is formed after the fusion of haploid sperm and haploid egg. So this process is known as fertilization. Now let's see what happens next. Fertilization to baad main thonu dassya ke saada next step jo hai oh ki hunda cleavage. Jadon zygote formation ho gaya us to baad जाइगोट जिहड़ा हैगा वो डिवाइड करेगा रैपिड डिवीजन होएगी पर केड़ी डिवीजन होएगी माइटोसिस। रैपिड डिवीजन तो बाद जिहड़ा जाइगोट है वो एक राउंड एक स्फेरिकल होलो बॉडी बनाएगा जिसनों असी बोलते हाँ ब्लास्टूला। और इस प्रोसेस नू जदों जाइगोट तो ब्लास्टूला दी फॉर्मेशन हुई इस प्रोसेस नू असी बोलते हाँ ब्लास्टूलेशन। इसनों असी की बोलते हाँ ब्लास्टूलेशन। नैक्सट देखो बच्चे इत्थे मैं एक ब्लास्टूला इनू असी ब्लास्टोसिस्ट भी कहने हाँ। जाइगोट तो बाद जदों जाइगोट माइटोसिस किता तां एक डिप्लॉयड बॉडी उन्हें बनाई इसनों असी ब्लास्टूला भी बोलते हाँ इसनों असी ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हाँ जो कि एक होलो स्फेरिकल बॉडी है
और इस प्रोसेस नूं असीं कहिंदे हाँ ब्लास्टुलेशन। नैक्सट ओके बच्चे, नैक्सट थानू मैं फेज़ दस्या, जदों ब्लास्टुला बन गया तो नैक्सट फेज़ है इम्पलांटेशन। इम्पलांटेशन का की मतलब है बच्चे, कि जिहड़ा ब्लास्टुला बनिया वो फर्टिलाइजेशन कित्थे होएगा, फीमेल दी बॉडी दे अंदर होएगा। जिहड़ा ब्लास्टुला बनिया वो जाके फीमेल का, ये जिहड़ा स्ट्रक्चर है ये यूट्रस है, दिस इज़ यूट्रस, इहदी डिटेल्स आपां अगे पढ़नी है। सो ये जिहड़ा ब्लास्टुला बनिया ये जाके फीमेल दे यूट्रस दे अंदर अटैच हो जाता है, यूट्रस दे जो अंदर वाली लेयर हुंदी है उस दे नाल जाके अटैच हो जाता है। सो इस प्रोसेस नूं असी बोलते हाँ इम्पलांटेशन। राइट, समझ आ गया बच्चे, प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द एंडोमीट्रियम। आप मैं दसूंगी अगे जाके एंडोमीट्रियम की हुंदा है, यूट्रस दी जिहड़ी इनर मोस्ट लेयर है उस दे नाल जाके ये अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस नूं असी बोलते हाँ इम्पलांटेशन। ओके, जदों इम्पलांट हो गया, बॉडी जाके मदर दे यूट्रस दे नाल अटैच हो गई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज आएगा जिसनूं असी बोलते हाँ प्लेसेंटेशन। That is the formation of placenta. Placenta की है बच्चे, तुसी देखिया जदों साडा प्लांट्स दे विच एम्ब्रियो सेक्स फर्टिलाइजेशन होया सी, ता डबल फर्टिलाइजेशन होया सी, एम्ब्रियो वास्ते एंडोस्पर्म बनया सी और एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू सीगा। सो इन द सेम वे जदों इम्पलांटेशन हो जाता है तो उस तो बाद एक स्पेशल टिश्यू बनता है, एक फीटस का और मदर का टिशू दे विच एक कनैक्शन बन जाता है, उसनू असी बोलते हाँ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इट इनवॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटीमेट कनैक्शन बिटवीन द फीटस एंड मैटरनल टिशू। मैटरनल मीन्स मदर का टिशू, ठीक है। सो मदर एक बहुत क्लोज कनैक्शन बन जाता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, ठीक है। और ये कादे वास्ते बनता है, फॉर न्यूट्रिशन। फीटस न्यूट्रिशन जा रही है मदर दी बॉडी तो, फीटस नू जा रही है थ्रू प्लेसेंटा, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एक्सक्रीशन। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो कि फीटस नू सिक्योर कर देगा। जदों फीटस मदर दी बॉडी दे अंदर जाके इम्प्लांट हो गया, प्लेसेंटा बनन दे नाल वो सिक्योर हो गया, उसनू उसकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और होर भी बहुत तरह नाल प्लेसेंटा जेड़ा है वो फीटस नू हेल्प करेगा। नैक्सट ओके बच्चे, इस दी आपां बहुत डिटेल दे विच हजे नहीं समझना हैगा, सिर्फ मैं थोनू एक आइडिया दिता है कि मदर दा जेड़ा यूट्रस हैगा उस दे विच देखो जेड़ा एम्ब्रियो हैगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो बाद जदों फीटस हैगा वो मदर दे अंदर ग्रो कर रहा है और ये मदर दा यूट्रस है, उस दे नाल एक कनैक्शन देखो जेड़ा बनया होया है और अल्टीमेटली बच्चे दे नाल कनैक्टिड है। इस नूं असीं प्लेसेंटा बोलते हाँ, जो कि एक इंटीमेट मकैनिकल और एक फिजियोलॉजिकल कनैक्शन भी है बिटवीन द फीटस एंड, दिस इज फीटस, बिटवीन द फीटस एंड बिटवीन द मदरस बॉडी। सो साडा ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे विच जो नैक्सट फेज होएगा दैट इज प्लेसेंटा फॉर्मेशन। नैक्सट ओके, प्लेसेंटा तो बाद जो साडी नैक्सट स्टेज है उसनू असी कहने फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। जेड़ा साडा ब्लास्टोसिस्ट बनया सी वो अगे जाके एक होर बॉडी चेंज हो जाएगा जिसनू असी कहने हाँ गैस्ट्रुला और उस प्रोसेस नू असी कहने हाँ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला नू असी कहने हाँ गैस्ट्रुलेशन। स्टूडेंट्स यू रिमेंबर प्लस वन विच मैं थोनू टीच किया सी डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो जिहड़े मैमल्स दे विच की सिचुएशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टुला जेड़ा हैगा इट हैज़ थ्री लेयर्स, दैट इज एंडोडर्म, दैट इज एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सब तो बाहर वाली एक्टोडर्म, सेंटर वाली मीजोडर्म एंड अंदर वाली एंडोडर्म। जिहड़ी सारी बॉडी बननी है, सारे ऑर्गन्स बनने हैं वो इन्हां तीन लेयर्स तो बनते हैं। इस प्रोसेस नूं ये साडी जर्म लेयर्स ने, इन्हां नूं असीं जर्म लेयर्स कहने हाँ और इस प्रोसेस नूं असीं गैस्ट्रुलेशन बोलते हाँ। सो जिन्ने भी साडे ऑर्गन्स बनणगे,
ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨੋਜੈਨੀਸਿਸ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਔਰਗੈਨੋਜੈਨੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਗੈਨੋਜੈਨੀਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੂਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਟੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਪੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੇਬੀ ਆਫਟਰ 280 ਡੇਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ 280 ਡੇਜ਼। ਔਰ ਇਸ 280 ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ 280 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਬੇਬੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਲ ਆ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 280 ਡੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੂਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਮੀਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 280 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੂਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੀਸਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬੱਚੇ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।